जहां डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की बधाई दी है। मेरे मित्र ट्रंप को बधाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। भारत यूएस के रिश्ते होंगे मजबूत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शांति स्थिरता के लिए करेंगे काम और मिलकर लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और बधाई देते हुए ये वो खास तस्वीरें भी साझा की गई हैं जो अब तक दुनिया ने देखी हैं, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के साथ मजबूत होते रिश्ते की उम्मीद और साथ ही ये कि कैसे अब मिलकर लोगों की बेहतरी के लिए काम होगा, शांति स्थिरता के लिए करेंगे काम, भारत यूएस के रिश्ते कैसे मजबूत होते आए हैं, ये बॉन्डिंग, ये केमिस्ट्री, ये दोनों के साथ की तस्वीर को लेकर भी एक्सपर्ट से करूंगी चर्चा। लेकिन उससे पहले बड़ी खबरें और अपडेट आपके सामने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मजबूत बॉन्डिंग रही है। और जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तब मोदी अमेरिका गए तो हाउडी मोदी समारोह में ट्रंप ने शिरकत की। जब ट्रंप भारत आए तो उनका किस तरीके से जोरदार स्वागत हुआ, ये वो तस्वीरें अब आपके सामने हैं जिसको देखते हुए दुनिया में इस बॉन्डिंग का, इस केमिस्ट्री का एक एक बड़ा संदेश गया। और जिस तरीके से फिलहाल इस वक्त खबर सामने आ रही है, ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए मजबूत रिश्तों की तरफ जो बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है उसको लेकर आपको बता दूं, मैं चर्चा करूंगी एक्सपर्ट्स के साथ, क्योंकि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से ही सेफोलॉजिस्ट यशवंत देशमुख मेरे साथ हैं, साथ ही वॉशिंगटन से ही इस वक्त पॉलिटिकल एनालिसिस पूर्णिमा नाथ भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और फॉरन एक्सपर्ट प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी हमारे साथ हैं। लेकिन इस बीच बता दूं वॉशिंगटन में मेरे सहयोगी मनीष झा की भी मौजूदगी है जो लगातार हमें एक एक पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अब यूएस में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों को लेकर जताए गए विश्वास के बलबूते आज के इस संबोधन में बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कही गई हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है जहां डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की ये मजबूत बॉन्डिंग को देखते हुए खबर ये कि कैसे अब आने वाले वक्त में मिलकर लोगों की बेहतरी के लिए काम करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है। शांति स्थिरता के लिए काम करेंगे, भारत यूएस के मजबूत रिश्तों को देखते हुए ये पल कितना खास। पहला सवाल जी सीधे आपसे। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, अब सवाल आपसे ही कर लेती हूं इस लिहाज से क्योंकि इस दोस्ती की तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं और जिस तरीके की बॉन्डिंग दोनों के बीच नजर आई है आज वही तस्वीरें साझा करते हुए मिलकर लोगों की बेहतरी शांति स्थिरता के लिए काम करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई संदेश दिया है और दुनिया के कुछ चुनिंदे राष्ट्राध्यक्ष में से हैं जिन्होंने सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब मुझे, अगर मैं हल्के भाषा में कहूं तो 2019 में जब ह्यूस्टन में हाउडी मोदी प्रोग्राम के समय ये कहा गया था कि एक बार फिर ट्रंप सरकार, तो चलिए उस समय 2020 में ना सही 2024 में एक बार फिर ट्रंप की सरकार बनी है और इस बात को ट्रंप भी समझते हैं। यही वजह है कि अपने चुनावी प्रचार के दरमियान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे उस समय यूएन की मीटिंग में भाग लेने के लिए, उस दरमियान भी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की इच्छा जताई थी और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में वो बहुत सारी बातें कहते भी रहे, काफ़ी प्रशंसा करते भी रहे। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को जब 26 जनवरी में मुख्य अतिथि के तौर पर आए या अहमदाबाद में गए, अहमदाबाद की रैली में वो शामिल हुए, या फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है डोनाल्ड ट्रंप में और बाकी लोगों में क्या अंतर है, देखिए 26 जनवरी में तो बराक ओबामा भी आए थे और प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद फिर अलग से उन्होंने एक कार्यक्रम किया और उसमें भारत के मानवाधिकार को लेकर, अल्पसंख्यक के मामले में रवैये को लेकर भारत की आलोचना की। जबकि उस समय जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे 2019 में ट्रंप से जब पूछा गया तो उन्होंने भारत के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। तो यही फर्क है डोनाल्ड ट्रंप में और ओबामा, बाइडन और कमला हैरिस में कि उन्हें पता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और अगर कोई दोस्त है तो ऐसा नहीं कि अपने लाभ, अपने हित के लिए आप उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं। जी।